हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया, जो कि बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, डायबिटिक पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। और प्रेगनेंसी में तो इसमें क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी में इसमें फर्दर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एक्यूट सिस्टाइटिस हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, तो ये सब सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया है क्या, उसमें एसिम्प्टोमेटिक मतलब कोई साइन एंड सिम्टम्स ना होना यूटीआई का, लेकिन बैक्टीरियोरिया होना मतलब बैक्टीरिया है कितना, मोर देन 10^5 बैक्टीरिया पर ml ऑफ मिड स्ट्रेन सैंपल ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये इसका एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया का डेफिनेशन है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक्यूट सिस्टाइटिस में क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, प्रेगनेंसी में ही क्या होता है, और कैसे हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।